अच्छा ओ हो हो ये मलाई रोटी पे लग रही है। ये आ गया जी, बहुत आला माशाल्लाह। इसमें लेग की बोटियाँ होंगी, सीने की होंगी और सारी मतलब ओवरऑल मुर्गी जो होती है ना उसमें हम जाते हैं। और ये नहीं है कि ये खास प्लेटर होता है, आपने जो भी खाना ऑर्डर करना है आपको ऐसे ही प्लेटर में मिलेगा, ऐसे ही प्लेटर रेडी होते रहते हैं। ठीक है, पूरा सुरीला। और ये हमारे पास आ गया जी चिकन रेड पेपर वाला। यार ओवरऑल जो है ना इसकी क्वालिटी बहुत मतलब अच्छी लग रही मुझे। जो ये मायो गार्लिक ठीक हो गया। असलामुअलैकुम, चैनल सुपर लिया मैसेज एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज़ आकिब मूवी और एक बार मैं फिर से मौजूद हूँ लाहौर की सड़कों पे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गड़ी शाह के इलाके में। यहाँ पे आए हैं हम एक शवारमा ट्राई करने, जो कि रिसेंटली एक सेटअप स्टार्ट हुआ है तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले। इनसे हम इनके पास बड़े डिफरेंट टाइप के शवारमा होते हैं, स्पेशली इन्होंने कुछ तड़के शवारमा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं लाहौर के अंदर, इनसे वो ट्राई करेंगे। उसके बाद हमारा इरादा है इंशाल्लाह अगले पॉइंट पर जाने का, जो कि है सुरीला टिक्का शॉप, जो कि मौजूद है सदर बाज़ार के अंदर धर्मपुरा में। अभी इनसे जो है शवारमा ट्राई करते हैं, अभी इनके पास चलते हैं। इनकी पहले मैं आपको लोकेशन समझा दूं। अच्छा यार, ये जो रोड है ये सामने जो है ना ये चौक बनता है हमारा, गड़ी शॉप वाला चौक है। ये सीधा पुल चढ़ रहा है यूईटी की तरफ जाता है और यहाँ पे जो है ये हाफिज़ जूस कॉर्नर बड़ा फेमस पॉइंट है। ये देखो ये हाफिज़ जूस कॉर्नर है, ठीक है। इससे थोड़ा सा पीछे जो आप आएँगे गड़ी शॉप के पुल से क्रॉस करके इधर को आएँगे, क्वीन मैरी की तरफ ये रोड जा रहा है सीधा। इस पर जब आगे आएँगे तो आपके लेफ्ट साइड पर ये पॉइंट है जी आगा बाबा, ठीक है। ये पॉइंट है इनके पास। इनके पास ये शवारमे लगे हुए हैं, दो तरह की इनके पास चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों क्या हैं इनसे पहले बातचीत करते हैं फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सलमान। सलमान साहब, सलमान साहब ये सेटअप आपका अपना है? जी जी, ठीक है। तो ये कितना पुराना सेटअप आपका? ये अभी हमने 1 जनवरी को ओपनिंग की है इसकी, 2 महीने हुए ऑलमोस्ट। ठीक है जी, ये दो ग्रिल्स आपको डिफरेंट लगी हुई हैं, आप मुझे बताते हैं क्या क्या है? पहले वाला हमारा रेड चिली के साथ सिग्नेचर शवारमा है, सही है। और ये वाला हमारा टर्किश फ्लेवर है, टोटेला रैप के अंदर ब्लैक पेपर और वाइट पेपर के साथ हमने मैरिनेट किया चिकन। अच्छा, इसकी मैं ये दो चीज़ों में डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये जो है आप हीटर पे कर रहे हैं जी, इसको आप जी जी रोटीसरी पे चला रहे हैं जी जी, और ये जो है ये कोयले लगे हैं इसके पीछे, ये भी रोटीसरी पे, लेकिन इसके पीछे कोयले हैं, उसकी वजह क्या है? जी इसकी वजह ये है कि एक तो एस्थेटिकली अच्छा लगता है और दूसरा इसके अंदर फ्लेवर आता है चारकोल का, नहीं मतलब बारबेक्यू का फ्लेवर आता है। लेकिन ये कोई रेसिपी इस तरह की है इसकी? बस इसको हमने डिफरेंट करने के लिए किया है। अच्छा, तो इसमें चार कन्वेंशनल भट्टी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये हमने वर्टिकल डेवलप की है, ठीक है, जो ग्रिल है ताकि इसका वो वर्टिकल, क्योंकि डिस्प्ले में आसानी रहती है तो ताकि चारकोल का पूरा इफेक्ट जो है हमारी मैरिनेशन के अंदर आ जाए। इनकी प्राइसेस क्या है? ये हम अभी ऑफर में 350 रुपये का टोटेला रैप दे रहे हैं जो ब्लैक पेपर वाइट पेपर में। हाँ जी हाँ, और टोटेला ब्रेड के साथ 350 में, और जो हमारा सिग्नेचर शवारमा ये 250 में। जो जी ये चिकन आ गया, ब्लैक पेपर है, नीचे जो है तहीनी सॉस है, उसके ऊपर जो है सैलड आया है, और सैलड के ऊपर ये अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का जो है ना ब्लैक पेपर वाला चिकन आ गया। और ये हमारा इसका नाम क्या है इस रोल का? सर ये है ब्लैक पेपर टर्किश, टर्किश रोल। ओए होए 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 यार माशाल्लाह बहुत आला। स्मोकी सॉस है, ठीक हो गया। ओए हो, ये खीरे पिकल आएगा, ये पाकिस्तानी स्टाइल है पिकल का। वैसे जो है ना पिकल आपको ये डेल पिकल मिल जाता है जो बेबी क्यूकम्बर्स का होता है, लेकिन चूंकि ये सिरके में डिप किया था हमने पाकिस्तानी स्टाइल में, इसलिए हमें इसका ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा ये हमारा जो है रेगुलर हमारा शवारमा जो पाकिस्तानी स्टाइल वाला। लो जी ये यहीं से पता लग गया पाकिस्तानी, इसमें मिर्ची आ गई हैं, नीचे इसकी बेस पर आई है तहीनी सॉस। ये तहीना होता है कि तहीनी होती है? तहीनी होती है। ये फीमेल है? अच्छा ठीक है, तो ये नहीं पता, ठीक है। ये जनाब ऊपर सैलड आ गया जो कि ऑलरेडी मैरिनेटेड है, और ये हमारे पास आ गया जी चिकन रेड पेपर वाला। यार ओवरऑल जो है ना इसकी क्वालिटी बहुत मतलब अच्छी लग रही मुझे। जो ये मायो गार्लिक ठीक हो गया। ओके अच्छा यार ये हमारे साथ सामने जो है ना ये दो चीज़ें आ गई, दो चीज़ें थी मैंने कहा था ऑर्डर करने का,
ये जो है ना, ये हमारे पास रैप है, ब्लैक पेपर रैप, इसको तर्किश रैप भी कहते हैं ये। तो ये इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको ट्राई करते हैं। यार ये ज़्यादा मजे का ना, इसका चिकन भी बहुत ज़्यादा मजे का लग रहा है, इसको मैं बाद में ट्राई करूँगा। ये जो है ना, ये इनका सिग्नेचर शवारमा है जो कि रेड पेपर में बना हुआ है। पहले इसको ट्राई कर लेते हैं क्योंकि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल है, उसमें थोड़ा सा टर्किश टच ज़्यादा है। ये बिस्मिल्लाह। बड़े अच्छी बात है, वो अच्छा शवारमा खाने को मिला। मैं शवारमा खाता नहीं, बोल रहा हूँ, मुझे इसका फ़ैन नहीं हूँ मैं, लेकिन इस तरह का शवारमा है ना, इस तरह का शवारमा खा लेता हूँ। जो माल रोड पे एक शवारमा मिलता है वो, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा है, थोड़ा ब्लैक पेपर इसमें ज़्यादा है, मिर्ची इसका थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन है बहुत मज़े का। ये इस तरह के शवारमा ना मैं ढूंढता हूँ कि मुझे मिल जाए, बहुत कम जगहों में है, एक दो जगह और भी हैं, मैं आपको दिखाऊँगा चला, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि जिसपे मैं बार बार आ सकता हूँ। बहुत कमाल का शवारमा इनका यार। अभी जो है ना इसको ट्राई करते हैं। इसका जो चिकन था वो बहुत कमाल का था। अब इसमें इन्होंने दो चीज़ें ऐड की हैं, स्पाइसी मायो भी ऐड किया है इसके अंदर, और इसके अंदर उन्होंने तहिनी सॉस भी ऐड की है। इसको ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। यार ये बहुत कमाल का यार। जब इन्होंने रॉ चिकन चेक कराया था ना, उसी टाइम मैं फ़ैन हो गया था। वह ये टोटल जो ब्लेंड बनाया ना, बहुत वाला यार। अच्छा यार, अभी जो है ना हम आ गए हैं यहाँ पे सुरीला टिक्का शॉप पे। ये जो है ना जगह है सदर बाज़ार के अंदर मौजूद है। इस जगह के बारे में ना मुझे दो तीन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंड किया है कि यहाँ पे आप आके इसको लाजमी ट्राई करें। इनका बारबेक्यू बहुत कमाल का है। एक तो मुझे अदील चौधरी ने इसका रिकमेंड किया था, दूसरा मुझे एक भाई हैं दानिश भाई, उनका एक चैनल और है, उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे लाजमी आएँ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, इनसे चीज़ें ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इनके पास बारबेक्यू भी होता है, इनके पास कढ़ाई भी होती है, बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं। सदर बाज़ार के अंदर बहुत फेमस, बहुत बड़ा सेटअप है इनका। इनके पास चलते हैं, इसकी लोकेशन मैं आपको समझा दूँ, फिर इनके पास चलते हैं, हमसे बातें से निकलते हैं। ये जो रोड है ना सामने से जो आ रहा है, ये है, इसको जगह को कहते हैं ढाका रोड, सदर बाज़ार का ढाका रोड, सारा सदर बाज़ार का एरिया लाहौर रोड से आ रहा है ये। यहाँ पे आपने आना है और आपने किसी से पूछना है HBL का। ये सामने HBL है, ये और HBL के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये है सुरीला टिक्का कॉर्नर, इनके पास है। ये इनका सेटअप है, यहाँ पे सीटिंग है, यहाँ पे बारबेक्यू चल रहा है, वहाँ पे भी बारबेक्यू चल रहा है, वहाँ पे सब्जी चल रही है। ये मेरे साथ जो है ना, इसमें यहाँ के जो ऑनर है ना, ये मौजूद है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद उमर, ऐसे सुरीला। अच्छा, ये सुरीला, ऐसा कि मुझे लगता है सुरीला ना कोई ऐसे नाम रखा हुआ आपने, लेकिन ये आपका अपना नाम है सुरीला? बस लोग कहते हैं, निकनेम है। अच्छा, आपको सुरीला क्यों कहते हैं? बस थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, इस वजह से लोग सुरीला कहते हैं, खाना भी सुरीला है इसलिए। अच्छा, सुरीला कहते हैं। चले आप गुनगुनाना हम सुन लेते हैं। पहले मुझे ये बताएं आपके, आपको ये सेटअप स्टार्ट किया कितना टाइम हो गया? ये सेटअप स्टार्ट किए कोई ढाई साल हो गए हैं। अच्छा, ढाई एक साल हो गए। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या होता है आपके पास? मेरे पास चिकन टिक्का होता है, लेग पीस, ब्रेस्ट पीस, मलाई बोटी, रेशमी बोटी, उसके बाद चिकन को आप, बीफ को आप, दुमची, नेपलर, काफ़ी है जी। और खट्टा कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, सही है, और सब्जी। क्या टाइमिंग वगैरह क्या, कितने बजे खोलते हैं? हम खोलते हैं और रात को शाम 2 बजे बंद कर देते हैं। 2 बजे बंद कर देते हैं, सही हो गया। तो अभी स्पेशल क्या, मतलब वैसे तो आपका बहुत बड़ा मेन्यू है, आपकी बातों से स्पेशल हमारा नेबलेट्स, चीज़ बोटी, हिरन बोटी और मलाई बोटी। हिरन बोटी, हिरन बोटी वो भी थाई की होती है, चिकन की। हिरन तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो गया था कि शायद हिरन खाने को मिलेगा आज। नहीं, वो बस उसके थाई की होती है, बोनलेस, और उस पर थोड़ी सी स्पाइसी सी होती है, बड़ी मज़े की होती है। अच्छा। हाँ जी, वो हमने उसका मसाला ऐसा होता है जैसे मंदी टाइप सा होता है, बड़ी सॉफ्ट सी होती है। अच्छा। हाँ जी, बोनलेस लाजमी ट्राई करेंगे। मेन कढ़ाई अगर ग्रेवी में खाना चाहें, रोटी खाना चाहें, बारबेक्यू के अलावा खट्टा कढ़ाई खाएं। अच्छा, सुरीली होगी, सुरीली होगी। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ जो है ना टेस्टी नहीं होगी भाई, बहुत सुरीली। हाँ, यहाँ पे आपने ये नहीं कहना बहुत आला, ये नहीं कहना बहुत मज़ा आया, आपने कहना बहुत सुरीला, बहुत ठीक हो गया। चलो ट्राई कर लेते। ओके, ये पूरी प्लेट में 3 डिफरेंट चीज़ें क्यों हैं? ये प्लेटर है, प्लेटर लोग प्लेट खाना मंगवाते हैं, फिर हम उन्हें प्लेटर बना के देते हैं। अच्छा, ठीक है। नीचे इसकी आग होती है। अच्छा, आके खाना गर्म रहे आधे आधे घंटे तक। सही हो गया, घंटे घंटे चल रहा। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है। अच्छा, ओहो, ये मलाई बोटी पे लग रही है।
अच्छा ये सिर्फ मलाई बोटी पे लगेगी चीज़? वो यार बड़ी कमाल की चीज़ लग रही है मुझे ये, मतलब चीज़ से मुराद चीज़ बहुत कमाल की है। अच्छा ठीक है, ये वैसे ही मलाई पे लगा रहे हैं, लेकिन आपको जो जो हिरन बोटी होती है ना, हम उसको मसाले वाली होती है उस पर हम चीज़ लगाते हैं। अच्छा ये तो कस्टमर की डिमांड थी कि यार हमें मलाई बोटी पे भी चीज़ लगा के। अच्छा ये आपने जो उसमें लींबू डाला है और फिर उसमें चीज़ डाला ना, ओए ओए यार ये सर नेपरेड है, ये हमारी स्पेशल मलाई बोटी है, ये स्पेशल मलाई बोटी और ये नेपरेड। अच्छा नेपरेड का साइज बहुत बड़ा है माशाल्लाह, ये बीफ कबाब हमारे बड़े मशहूर हैं यहाँ, ये बीफ कबाब हो गए, ये सारा मेन्यू हो, ये बारबेक्यू में यही होता बस। अच्छा यार बहुत एक्सपेंसिव मेन्यू मशहूर, ये फिश या मसाले वाला। अच्छा देखना चाहिए, अब तो सीजन आउट हो गए। हाँ ये देखिए मसाला मसाले वाली फिश है ये, ठीक हो गया सर, मसाले भरी साकिब साहब। सर आप मेरा नाम ही भूल गए यार, ये तो आपने गलत कर दिया। नहीं जी नहीं, साकिब साहब हमारे साथ हैं जी, और इनकी हर वीडियो मैं देखता हूँ, और आज ये मेरे साथ लाइव हैं, और हम लोग हर एक इनकी वीडियो देखते हैं। तोफू पे ये गए थे, और मैं इनकी वीडियो देख के वहाँ खाना खाने गया, फिर सुरीला पे ये आए, इनकी वीडियो देख के मैं खाना खाने आया हूँ, और आज भी, भी आई नहीं अभी, और आज भी ये हमें यहीं पे मिले हैं जी। ये देखिए यार ये मेरी पहली वीडियो यार। अच्छा ये पिक्चर भी मेरी, ये वही प्लेटर जो अभी आपने बनाया, उसके नीचे आपने कोयले जला आग चल रही है। अच्छा अच्छा सही हो गया, ठीक है मैं जरा रिकॉर्ड कर लूँ आपने पिक्चर ले। एक प्रॉब्लम मुझे बड़ा आता है, जब मैं सेल्फी देता हूँ किसी को जी, बड़ी देर तक मुझे अपना मुंह ऐसे करके रखना पड़ता है, ऐसे ही है मेरे लिए, से बहुत देर लगती है, मेरा मुंह थक जाता कभी कभी। अच्छा ये चिकन टिक्का है, ठीक है पूरा सुरीला अंदर तक मसाला यार ये बड़ा मजेदार दिख रहा है, पूरा सुरीला ओ यार बहुत आला, सही है ताड़ियों वाला मसाला, ठीक हो गया ठीक हो गया। हाँ सही है हर चीज़, ठीक है ये चिकन का कबाब है, ओके हाँ अभी पक रहा है, हाँ जी अभी पक रहा है, ठीक है इसमें। अच्छा मुझे चिकन का कबाब उठाएं जरा, मतलब इसमें आपने फैट कौन सा इस्तेमाल किया? फैट बकरे का, बकरे का हाँ जी, दुम्बे का तो नहीं, नहीं 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 दुम्बे का तो टिकता ही नहीं है, इसलिए नहीं कह रहा कि अच्छी चीज़ नहीं है, वो ज़्यादा मजे का होता है लेकिन वो टिकता नहीं है, बकरे का फैट है, बकरे का अच्छा होता है, बकरे का ऊपर टिक जाता है, ठीक है कबाबों में, ठीक है ठीक, दुम्बे के दुम्बे में बेसिकली होता है ऑयल ज़्यादा और वो कबाब को गिरा देता है, ठीक हो गया। ये देखिए ना ये जूसी फुल जूसी है, और जी क्या है, ये देखिए नेबलर्स फुल मसाले वाले सुरीले, और सुरीले फुल सुरीले और साइज देख रहे हैं ना, अच्छे बड़े बड़े साइज के मसाले, ये टिक्का अच्छा फुल जूसी सुरीला, ठीक हो गया सही है, ये क्या चीज़ है, ठीक सिंपल मिलाई, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है जी? अच्छा फिश, ठीक हो गया। यहाँ पे जाए भाई, इनकी कढ़ाई शढ़ाई बन रही है माशाल्लाह, और इधर बाहर वाली साइड पे जो है ना ये लगी हुई है सब्जी, ठीक है यहाँ पे नान शान बन रहे हैं माशाल्लाह, और इधर जो है ना सारी मैरिनेशन हो रही है, यहाँ पे सारे चीफ को इसको पिरो रहे हैं, कबाब खा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मैं सोच रहा था कि बड़ा ना कोई अच्छा सेटअप होगा, छोड़ा सही सा होगा मुनासिब, ये बात माशाल्लाह ना बहुत एक्सटेंसिव है और बहुत ह्यूज काइंड ऑफ सेटअप है इनका, और बड़ा रनिंग में चीज़ें हैं, क्योंकि जब रनिंग में होती है ना चीज़ें तो उससे पता लगता है कि रेस्टोरेंट के पास टेस्ट अच्छा है, कस्टमर यहाँ पे रिपीटेड कस्टमर बहुत ज़्यादा है, इससे भी आप जज कर सकते हैं। मैं आपको अपनी एक छोटी सी टिप बता देता हूँ, मैंने कभी किसी जगह को जज करना हो ना कि यहाँ पे खाना खाना या नहीं खाना, क्योंकि मैंने कभी ऐसी जगह से खाना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाया जहाँ पे टेस्ट अच्छा ना हो, उसकी रीज़न ये होती है कि मैं चेक कर लेता हूँ पहले, यार यहाँ पे रिपीटेड कस्टमर है, खाना चल रहा है कि नहीं, रखा हुआ खाना हो ना, अगर कस्टमर वहाँ पे ज़्यादा ना हो, रश ना लगाओ, तो उसका मतलब खाना वहाँ पे खाने वाला नहीं है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक जगह पर रश बहुत ज़्यादा हो लेकिन वहाँ पर टेस्ट ना हो, ऐसा तब होता है जब किसी बंदे का अल्लाह ने हाथ पकड़ा होता है, उसकी किस्मत चल रही होती है, जायके के बगैर भी काम चल रहा होता है। पीछे जो है ना प्लेटर रेडी हो रहा है, मैं आपको ये दिखा दूँ, ऐसे ही प्लेटर रेडी होते रहते हैं माशाल्लाह, ठीक है इसमें कोयला वगैरह जाएगा वो वो कहाँ है? ये देखें, अच्छा जी अभी कोयला रखेंगे, कोयला ज़्यादा सारा अच्छा वहाँ से आएगा कोयला, ये कोयला है ओके, ये प्लास्टिक प्लेट जल्दी नहीं है, नहीं नहीं प्लास्टिक नहीं जल्दी, चलो ठीक हो गया, चलो 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 ओ हो ओके। लो ये इसके ऊपर आएगा थोड़ा सैलड, ये आ गया जी बहुत आला माशाल्लाह। ये कितने की है? ये किलो टिक्का
अच्छा किलो, अच्छा किलो जो टिक्का है, हाँ जी वो ये है, ये मिक्स आता है या खाली सिर्फ चिकन टिक्का? नहीं चिकन टिक्का है ये, इसमें लेग की बोटियाँ होंगी, सीने की होंगी और सारी मतलब ओवरऑल मुर्गी जो होती है ना उसमें हम टिक्का जाते हैं। और ये नहीं है कि ये खास प्लेटर होता है, आपने जो भी खाना ऑर्डर करना है आपको ऐसे ही प्लेटर में जा मिलेगा, आप देख लें रैंडमली किसी के भी टेबल पर ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं वीडियो नहीं बना रहा, यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो मोबाइल निकाल के साथ साथ वीडियो बनाई जा रहा है। चिकन के कबाब हैं। अच्छा कबाब का प्लेटर रेडी करने लगे यहाँ पे आप, ये किलो कबाब है, ये नौ कबाब हैं, ये एक कबाब, हाँ ये एक कबाब 120 रुपए, 120 का एक कबाब है, 120 रुपए का एक कबाब है। ठीक हो गया, ओके ये किलो के हिसाब से नहीं होते, किलो के हिसाब से भी है 1450 रुपए किलो, 1450 रुपए किलो किलो। ओके करूँ? जी जी करें करें यार, ये वाला तो सीन है ना भाई। जी अगला प्लेटर आ गया है, अच्छा जी मछली भी आ गई, यार बड़ा मसाला अच्छा सेटअप चल रहा है। ये आ गया मसाला इसके ऊपर, इसके ऊपर जाएगा लीम, ये आपकी भूख का इंतजाम हो रहा है, ये मेरी भूख की तैयारी कर रहे हैं, भूख की तैयारी कर रहे हैं मुझे आप भूख लगा रहे हैं। चार कबाब होंगे, खाने की दुनिया का एक नया नाम त्रिला बारबेक्यू, सदर मेन बाजार के अंदर घंटा बाजार के सामने, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। फैसल मैं तंदूरी पराठा लवावा, कट्टा कड़ाई तैयार होने लगी है। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम जुबैर। जुबैर भाई माशाल्लाह, आप कहाँ से हैं? मैं सुरीला भाई का बड़ा भाई। बड़ा भाई, हाँ अच्छा माशाल्लाह, आप तो नहीं इनको प्यार से सुरीला कहते? हम भी सुरीला ही कहते हैं। आपने तो नहीं नाम डाला? नहीं नहीं, वो दोस्तों ने डाला होना, दोस्तों ने डाला। सही है। ये क्या जी? ये जी कट्टा कड़ाई है। नहीं पहले क्या तैयार किया, यखनी बनाई थी? नहीं नहीं यखनी, ये प्रेशर कुकर लगा के हाफ डन। अच्छा हाफ डन किया, ठीक हो गया। ये भी ऑयल आ गया इसके अंदर, ओए ये आपने मुझे पहले क्यों कहा कि आग लग सकती है यहाँ पे? आग लग सकती है, पहले बताना था ना, जब मैं सड़ जाता फिर नहीं सड़ते, आप नहीं चलते। ओके ये दही आ गया, ठीक है और दही आ गया, इसमें जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं ये प्योर कट्टे का होता है? नहीं कट्टे का तो होता है जी जी। कट्टे के कौन से हिस्से का? ये रान का गोश्त, सारा रान का है जी। बाकी सारा मिक्स तो नहीं है? ये मक्खन आ गया, ठीक हो गया। ये सिर्फ काली मिर्च है इसमें, और कोई मिर्च नहीं है? और ये हमारा स्पेशल मसाला, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं छोटी सी, ये जो पहले आपने ये बनाया हुआ था हाफ डन किया हुआ था, ये हम लोग इसे प्रेशर कुकर लगा, इसमें भी मिर्च नहीं डली हुई? नहीं नहीं मिर्च डालते हैं, हल्की सी डालते हैं। अच्छा, वो भी कलर दे देती है।
ठीक 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 है, सही हो गया। क्यों नहीं, मैं नाते भी पढ़ता हूँ। वही तो कह रहा हूँ, सुना देना थोड़ी सी कोई अच्छी सी। बरकत दे, अच्छे काम के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, चला बहुत फायदा होगा। जैसे यार ये आपने माशाल्लाह इतना बड़ा यहाँ पे माशाल्लाह नेटवर्क रख दिया, मुझे समझ आया कि खाना शुरू कैसे करना है। तो आप एक छोटी सी मेहरबानी करें, आप प्लेट में बता दें कैसे शुरू करना है, डालना कैसे है। इसी प्लेट में खाना है? इसी प्लेट में नहीं, ये देखिए प्लेट के साथ प्लेट, ठीक है। इसमें डाल डाल के, ये चीज़ बोटी है, आप खुद ही निकाल के, ये चीज़ बोटी है, ये देखें, ओके ये चीज़ बोटी है, ये चीज़ है, ये देखें ये मलाई बोटी है, ठीक है। ये गर्म रहेगा आपका खाना, ये प्लेटर में इसलिए हम देते हैं बस, ठीक है। हाँ जी, ये देखें ये चिकन का कबाब है, अभी और आ रहा है खाना, अभी बीफ के कबाब आ रहे हैं, चीज़ कबाब आ रहे हैं। यार मैं घर भी जाना है, कोई मसला, ये हाइजेनिक, फुल हाइजेनिक खाना है, सुरीला खाना है, ठीक है। अच्छा यार ये बड़ा स्पेशल किस्म का ना खाना है यहाँ पे, और ये इनका नान चेक करो, पूरी मोहब्बत से दिल वाला नान तैयार किया गया, और साथ में ये रायता है, ये चटनी है, और ये सबसे अच्छी बात यह है कि खाना जो है ना इसमें आता है और ये गर्म रहता है, जब तक खाना आपके टेबल पे मौजूद है ये गर्म रहेगा, ऐसे ही है। कबाब चेक करो यार, ये ना यार बड़ा जूसी कबाब है, चिकन में ना इतना जूसी कबाब होता नहीं है, लेकिन चूँकि चिकन में जो होता है, चिकन में चिकन का अपना फैट नहीं होता, उसमें किसी और जानवर का फैट यूज़ करते हैं, इसमें बता रहे बकरे का फैट, कितना जूस है इसके अंदर, सिंपल ट्राई करते हैं। यार आप जब बीफ का कबाब खाएंगे ना, बीफ कबाब में बीफ का अपना फ्लेवर होता है, साथ में उसमें से मसालों का फ्लेवर होता है। चिकन कबाब होता है, चिकन कबाब के अंदर आपको फ्लेवर सारा मसालों की वजह से बनाना पड़ता है, क्योंकि चिकन का अपना कोई बहुत स्पेशल फ्लेवर नहीं होता, क्योंकि वो रेड मीट में कंसिडर नहीं होता। तो इसमें जो मसाले इस्तेमाल हुए हुए हैं, मैं आपको ये खा के कन्फर्म कर सकता हूँ, ये मसाले कराची के हैं, कराची के हाथ का ये जायका है, ये जो बनाने वाला है शेफ, इनका डेफिनेट अच्छी बात है, कराची से आया होगा, सही चटपटा मसालों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करके बहुत कमाल चीज़ बनी है माशाल्लाह। इसको नान के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, वेरी गुड यार माशाल्लाह। बाबा ये है मलाई बोटी, एक मिनट यार, बहुत कमाल ये जी मलाई बोटी, ये मलाई बोटी वाला फ्लेवर नहीं है, थोड़ा सा चटपटा है लेकिन है मज़े का। बट इनका जो कबाब है ना, कबाब चिकन कबाब बहुत कमाल है यार। ये जी इनकी चीज़ बोटी है, ये चिकन टिक्का है, सिंपल ये देखो, ये चिकन टिक्का है, शायद मलाई बोटी है जो भी है, लेकिन चीज़ बोटी है। वेरी गुड बात हुई यार, इनके सारे मसाले जो ना चटपटे हैं, स्ट्रॉन्ग पंच ऑफ फ्लेवर, कमाल, वेरी गुड यार। वो ऊपर से जो लीमू डालता ना यार, बहुत कमाल करता है। ये जी आ गया आपका और खाना, ये चीज़ कबाब, और ये हमारे स्पेशल नैबलर्स, और तो नहीं आना, और भी आएगा नहीं अभी आपको खट्टा कढ़ाई खिलाते हैं, ओके। अच्छा यार ये जो ना हमारे सामने नेबलेट्स आ गए, इनके जो नेबलेट्स हैं ना, इनका साइज़ बहुत बड़ा है। अच्छा यार एक ये मेरे हाथ में इस टाइम बारबेक्यू है, एक मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन मार्च आ गया, बल्कि मार्च आ ही गया, लेकिन मौसम जो है ना वो इतना कमाल का, इस टाइम लाहौर में दिन में गर्मी होती है, रात में सर्दी होती है, बंदा कन्फ्यूज़ है, रज़ाई अंदर रखनी है कि रज़ाई बाहर रखनी है, लेकिन
कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगे कभी कि रात में आपको ठंड लग रही है और दिन में आपको गर्मी लग रही है, तो रज़ाई बाहर ही रखें, रज़ाई लेके ऊपर से पंखा चला लें, बैलेंस हो जाएगा अच्छा। लेकिन इस मौसम में ये बारबेक्यू खाने का ना बहुत मज़ा आ रहा है। यार इस जगह का पूरा क्रेडिट जो है ना दो बंदों को जाता है जिन्होंने मुझे यहाँ पे रेकमेंड किया, यहाँ पे आने का कहा, एक अदील भाई और दूसरा दानिश भाई, थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपने मुझे यहाँ के लिए रेकमेंड किया। यार बहुत अरसे बाद कोई अच्छा नेपलेट खाने को मिला, बाहर से फुल क्रिस्पी है ये देखो, बाहर से फुल क्रिस्पी है और अंदर से फुल नरम है, मैरिनेशन बहुत कमाल की है इसकी, बहुत बहुत ही मज़ेदार चीज़ है माशाल्लाह। उमर भट्ट बाहर चला गया यार, उमर भट्ट भाई ये कैसे खाओगे वहाँ पे, आप इंग्लैंड में बैठ के कैसे खाओगे ये बताओ, अगर आप आज लाहौर में होते तो हम इकट्ठे बैठ के खा रहे होते इसे। कोई नहीं, बड़ी देर से रखा हुआ है लेकिन ये देखो क्योंकि नीचे कोयले जल रहे हैं इसलिए खाना अभी तक गर्म है, अभी तक धुआं इसमें छोड़ता है। ये चीज़ आपको रेस्टोरेंट में मिलती है लेकिन स्ट्रीट फूड में इस तरह की चीज़ होना ना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा यार ये जो ना ये बीफ चीज़ कबाब है, ओए 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 हिंदी जाएगा, एक बात कन्फर्म है ये फ्लेवर सारे का सारा कराची है और लाहौर में दिस इज़ वेरी गुड बारबेक्यू पॉइंट, और लाहौर में चंद पॉइंट हैं जो बहुत अच्छे हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। ओके जी नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ दिस चीज़ कबाब, चिकन चीज़ कबाब, यहाँ से हम लेंगे नान वैसे करके थोड़ा खोल लेंगे, उसके बाद यहाँ से लेंगे ऐसे इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे ऐसे करके, और ये इसके ऊपर आएगा ये स्पेशल जो इनकी मीठी चटनी है ये आएगी, इसके बाद इसके ऊपर आएगा ये रायता ये, और इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा सैलड, यहाँ से थोड़ा सा प्याज आ गया और एक छोटा सा जो है ये खीरा आ गया, थोड़ा सा धनिया भी आ गया। चलो दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ श्रीराधिका का चिकन चीज़ कबाब विद एवरीथिंग। लेकिन सब के अंदर ना जो चीज़ का फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है, बाकी चीज़ों का फ्लेवर थोड़ा आ रहा है लेकिन चीज़ बहुत हैवी भाई नहीं। अच्छा यार ये हमारे सामने जो है फाइनल इनकी प्रोडक्ट आ गई कटा कड़े, ये मैंने पहले दफ़ा पहले खाई थी एक जगह से, मुझे बहुत अच्छी लगी थी लेकिन यहाँ पे चूँकि ये कह रहे हैं कि हमारी बहुत स्पेशल होती है, और दूसरी बात ये कि जब इसको बना रहे थे इसमें दो चीज़ें मैंने बताई थी उस टाइम भी ये बहुत डिफरेंट लगी, एक तो ये जो बोटी है ये देखो ये जो बोटी है ना ये बाइट साइज बोटी है, आपने एक बाइट में एक बोटी उठा लेनी है, आपको बोटी तोड़ने की टेंशन नहीं रहेगी, बड़ा नीट एंड क्लीन आप इसको खा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मक्खन भी बनाई गई है, थोड़ा सा अनहेल्दी है लेकिन इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है, इसको हम ट्राई करेंगे थोड़े से मसाले के साथ, पहले इसकी सिंपल बाइट लेते हैं उसके बाद इसकी एक ऑप्टिमम बाइट बनाएंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर ऑप्टिमम बाइट इसकी बनाएंगे। चलो अभी जरा इसको सिंपल मसाले का ट्राई करते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी ये बिस्मिल्लाह। यार गोश्त जो है ना बहुत कमाल का गला है, बिल्कुल भी चुई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि नरम मुँह में जल्दी घुल जाए, आपको चबाने का पूरा टाइम मिलता है और चबाने के दौरान जैसे आप गोश्त को चबाते रहते हैं तो इसके फ्लेवर निकल निकल के जूसेस निकल निकल के आपके मुँह में आते रहते हैं, और जो फ्लेवर साथ में जो मज़ीद इनहांस होता है ना उन जूसेस के साथ जब आप इसकी जो ग्रेवी है उसका जो मसाला है जब आप उसको लगाते हैं ना उसका फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। दिस इज़ वेरी गुड कटा कढ़ाई, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये बहुत डिफरेंट है, हल्की सी इसमें खटास है, खटास फ्लेवर को इनहांस कर रही है, बहुत मज़े की चीज़ है यार। ये देखो आपको गोश्त का यहाँ से आइडिया हो जाएगा, ये देखो ये कितना टेंडर गोश्त है, ये देखो टेंडर नरम कमाल, ये देखो मज़े की बात, ये ईरान का गोश्त है, ये देखो रेशा रेशा हो रहा है अलग से, ओह हो अरे ये इसके जूसेस आप ये देख लें, ये चेक करो, ये देखो जब आप इसको चबा रहे होते हैं ना साथ साथ
और ये अगर आपको बीफ पसंद है ना भाई, और बीफ कढ़ाई आपने खानी है आंखें बंद करके, नहीं आंखें बंद करके नहीं मतलब कि सीधा इधर पहुंच जाए, बहुत कमाल यार। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट ऑफ कट्टा कढ़ाई फ्रॉम श्री राधिका। अच्छा एक बात उन्होंने मुझे कही थी कि आपने ये नहीं कहना खाना बहुत कमाल का है, बहुत अला, आपने कहना खाना बहुत सुरीला है। भाई इनका चीज़ कबाब और इनका टिक्का जो है ना चिकन टिक्का वाकई बहुत सुरीला है, चिकन कबाब चीज़ कबाब बहुत। यहाँ से लेंगे छोटी बाइट साइज बोटी आ गई, यहाँ से लेंगे थोड़ा सा मसाला और यहाँ से हम लेंगे थोड़ा सा सैलेड। ये प्याज आ गया और ये थोड़ी सी अब गाजर लेते हैं, ये गाजर आ गई, इसके ऊपर आ गया जनाब ये इनका मीठा वाला मीठी वाली चटनी, थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया ये रायता और इसके ऊपर हम बहाएंगे लींबू की नहरें, रायते की नहरें लींबू की नहरें जी। ये दिस इज द ऑप्टिमम बाइट ऑफ खट्टा कढ़ाई फ्रॉम श्री राधिका। यार ये इंतहाई सुरीला खाना, इंतहाई लजीज, बहुत मज़ा, वेरी गुड यार। यहाँ पे आके अगर आप बीफ फ्राई ढूंढ रहे हैं लाहौर के अंदर तो ये ऑप्शन एक अच्छी ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप बीफ फ्राई ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े की लग रही मुझे, क्योंकि उसकी वजह है कि मुझे इसमें जो मज़े की चीज़ लगी ना गोश्त की टेंडरनेस है ना, गोश्त की जो कुकिंग है वो मुझे बहुत मज़े की लग रही है और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल भी चुई नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है कि मुंह में ज़्यादा घुल जाए, आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है कि आप इसको मुंह में चबाएं और इसके जूसेस का मज़ा लें। भाई वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, चलो आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दिस इज माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है लाइव होता है इंस्टाग्राम के ऊपर और बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम के ऊपर। और एक दो चैनल में वो स्टार्ट करने वाला हूँ एक दो दिनों में, आपको एक दो हफ्ते के अंदर आपको उसकी अपडेट इंशाल्लाह मिल जाएगी, उन चैनल्स को भी आपने सब्सक्राइब करना है, सारी अपडेट आपको मैं दूंगा। आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।